और अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो या फिर खो गया है तो अब उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कल दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नाम का एक पोर्टल जो पोर्टल है लॉन्च किया है। कैसे काम करता है ये पोर्टल, आइए देखते हैं इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट। अगर आपका फोन चोरी हो गया है या फिर खो गया है और उसे ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई को संचार साथी नाम का एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप अपने खोए हुए फोन को ढूंढ सकते हैं या फिर अगर वह फोन नहीं मिल रहा है तो आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर संचारसाथी.com एंटर करना है। संचारसाथी.com एंटर करते ही आपको स्क्रीन पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। ये जो तीन विकल्प है उस पर आपको ब्लॉक स्टोलन लॉस मोबाइल पे क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। खोए हुए फोन का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसे एंटर करने के बाद जब आप फोन खरीदते हैं तो आपको 15 डिजिट IMEI नंबर फोन के साथ प्राप्त होता है। उस IMEI नंबर को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और अगर आपका ड्यूअल सिम का फोन था तो आप दूसरे सिम का नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये दो चीजें भरने के बाद आपको नीचे आप कौन से कंपनी का किस ब्रांड का फोन यूज कर रहे थे आपको इस ऑप्शन पे जाकर उस ब्रांड को सिलेक्ट करना है। आपका डिवाइस मॉडल क्या है, फोन परचेज करते हुए जो पर्ची मिली थी उस पर्ची का PDF फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। PDF फाइल अपलोड करने के बाद कुछ और भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नीचे दर्ज करना होगा, जैसे कि आपने फोन कहाँ पे खोया है, आपका फोन किस स्थान पे गुम हुआ है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, किस तारीख में गुम हुआ है, आपको अगर समय पता है तो समय भी आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे जरूरी चीज इसमें जो है वो आपको यहाँ पे पुलिस का कंप्लेन नंबर भी डालना होगा, जैसे कि आपने किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिर आप नीचे जाकर यहाँ पे मोबाइल ओनर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने होंगे, जिसका फोन खोया है उसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करने होते हैं। मोबाइल नंबर को यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे दर्ज हो जाएगी। पोर्टल पे और सारी चीजें भी आपके लिए उपलब्ध है आपकी सुविधा के लिए, जैसे कि आपने अपना खोया हुआ फोन मान लीजिए कि वापस पा लिया और उसे हम ब्लॉक कराना चाहते हैं या फिर गलती से आपने फोन ब्लॉक करा दिया था उसे फिर से हम ब्लॉक कराना चाहते हैं तो आपको इस दूसरे ऑप्शन पे जाना होगा। मांगी गई जरूरी जानकारियों को भरना है और भरकर रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। तो अगर आपका फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं और बेहद ही एक आसान प्रक्रिया है जिसको आप पूरी करके अपने फोन की रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं या फिर ब्लॉक हुए फोन को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को आप इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं।